भारतीय 39 भारतीय इराक के मोसुल से 4 साल पहले अगवा हुए थे और आज उनकी मौत की पुष्टि भारत सरकार ने कर दी। इन्हें हमारी श्रद्धांजलि और ये दुखद खबर 4 साल पहले ही एबीपी न्यूज ने आपको दे दी थी। इराक में लापता 39 भारतीयों की मौत की आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुष्टि कर दी। लेकिन 4 साल पहले एबीपी न्यूज ने आपको बता दिया था कि आतंकी संगठन आईएस ने सभी लोगों की हत्या कर दी है। इराक के मोसुल गए एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने बांग्लादेश के 2 चश्मदीदों को ढूंढ निकाला था, जिन्होंने उसी वक्त ये बता दिया था कि 39 भारतीय जिंदा नहीं बचे। इराक के मोसुल में लापता हुए 39 भारतीयों पर एबीपी न्यूज ने 4 साल पहले दी थी सबसे सटीक खबर। वो हरजीत ने आपको बताया कि सब लोगों को बिठा के गोली मार दी, पूरा आदमी मार दिया। एबीपी न्यूज की खबर पर 4 साल बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लगाई मोहर। उसमें से बॉडीज में पूरी 39 निकली थी। उसके बाद एक के बाद एक डीएनए होता चला गया। रायगढ़ खबर देते रहे, आज 5 हो गए, आज 8 हो गए, आज 10 हो गए, लेकिन कल उन्होंने हमें खबर दी कि 38 लोगों का डीएनए मैच हो गया है और 39वें का डीएनए 70% मैच हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जिन 39 भारतीयों के मरने की पुष्टि आज कर रही हैं, उसकी पुख्ता खबर एबीपी न्यूज ने आतंकी संगठन आईएस के चंगुल से बचे 2 बांग्लादेशी नागरिकों के हवाले से 4 साल पहले ही दे दी थी। सुषमा ने आज संसद में बताया कि डीएनए टेस्ट के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि इराक के मोसुल में लापता 39 भारतीय अब जिंदा नहीं है। बॉडीज में पूरी 39 थी, ये भी एक चिन्ह था, उसमें से बॉडीज में पूरी 39 निकली थी। अब सवाल यह है कि 39 भारतीय जिंदा नहीं है, ये बात बताने में सरकार को 4 साल क्यों लग गए? एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल नवंबर 2014 में जब इन 39 भारतीयों की तलाश में इराक के मोसुल पहुंचे थे, तो वहां पर उन्हें शफी और हसन नाम के 2 बांग्लादेशी नागरिक मिले थे जो इन्ही भारतीयों के साथ आतंकियों के कब्जे में थे। हरजीत ने आपको बताया कि सब लोगों को बिठा के गोली मार दिया, पूरा आदमी मार दिया, उसको गोली मारा लेकिन वो बाज गया, उसको 2 गोली लगा इधर ही, वो लेकिन आईएस के मालूम है ये मोर गया। हरजीत मसीह नाम के जिस शख्स का जिक्र किया जा रहा है वो भी उन्हीं भारतीयों के साथ था जिन्हें आईएस के आतंकियों ने मार डाला था। मरने का नाटक कर हरजीत बच निकला और फिर उसने सुषमा स्वराज को फोन कर भारतीयों के मारे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन सुषमा अभी भी इसे कहानी ही मान रही हैं। और बाद में उसने ये कहानी घड़ी कि हम तो जंगल में, हमको ले जाया गया, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया, 39 लोगों के सिर में गोली लगी, मेरे ही पांव में गोली लगी, इसलिए मैं तो चला आया और वो 39 लोग मारे गए। लेकिन हरजीत मसीह आज भी अपनी बातों पर कायम है। उसका कहना है कि सरकार लोगों को अब तक गुमराह कर रही थी। तो मेरे अक्खा सामने आया वही मैं क्या आखिर मैडम ने भी मनना, सुषमा स्वराज ने मनना पे आपके 39 भारतीय मारे गए। भारतीयों के लापता होने की तहकीकात के लिए 4 साल पहले जब मैं मोसुल में था तब दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने हरजीत मसीह के हवाले से ही बताया था कि आईएस के आतंकी सभी 39 भारतीयों की हत्या कर चुके हैं। सुषमा भले ही इसे हरजीत मसीह की कहानी मान रही हूँ, लेकिन आज से 4 साल पहले भारतीयों के अपहरण के चश्मदीद बांग्लादेशियों में से एक हसन ने जो कुछ भी एबीपी न्यूज को बताया था आज वो उन्हीं बातों को दोहरा रही थी। बोला इंडियन एक साइड में हो जाओ, बांग्लादेश के एक साइड में हो जाओ। इंडियन एक साइड हो गया, बांग्लादेश एक साइड हो गया। सबसे पहले बोला इंडियन वाला गाड़ी में आ जाओ, इंडियन वाला गाड़ी में चला गया। वहां जाकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को अलग रख दो, हिंदुस्तानियों को अलग रख दो, दोनों को अलग अलग रख दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को एरबिल छोड़ाओ। बांग्लादेशियों को तो एरबिल में छोड़ दिया गया, लेकिन 39 भारतीयों की आतंकियों ने हत्या कर दी और उन्हें मोसुल में मौजूद बदूश की इन्हीं पहाड़ियों में इस जगह जमीन में दफन कर दिया। भारत सरकार के आग्रह के बाद इराकी सरकार ने यहां खुदाई कराई जिसमें 39 भारतीयों के अवशेष मिले हैं। आउट ऑफ द 39 मिसिंग इंडियंस until now DNAs of a total of 38 human remains have matched with the DNAs obtained from the blood samples of the relatives from the states of Punjab, Himachal Pradesh, Bihar and West Bengal. November 2014 में जब मैं इराक पहुंचा तब
तब मौसूल शहर पर आईएस का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। हर पल जान जाने का खतरा था। फिर भी मैंने लापता 39 भारतीयों की खोज की। उस वक्त जो जानकारी मुझे मिल पाई वो ये बताने के लिए काफी थी कि लापता हुए सभी भारतीय जिंदा नहीं है। उस समय सरकार ने नहीं माना, लेकिन आज 4 साल बाद सुषमा स्वराज ने आखिरकार मेरी खबर पर मोहर लगा ही दी। और देखिए, जो 39 भारतीय लापता हुए थे उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, ये पूरी कहानी एबीपी न्यूज को 4 साल पहले एक बांग्लादेशी चश्मदीद ने बताई थी, और वो बांग्लादेशी चश्मदीद से एक बार फिर एबीपी न्यूज आज मिला। आज जब भारत सरकार ने 39 भारतीयों की मौत की पुष्टि कर दी, तो 2014 में एबीपी न्यूज को पुख्ता जानकारी देने वाले बांग्लादेशी चश्मदीद शफी ने एक बार फिर से हमें विस्तार से बताया कि किस तरह इराक के मोसुल में भारतीयों का अपहरण हुआ और फिर उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। शफी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज भारत सरकार ने मान लिया कि इराक में आईएसआईएस ने भारतीयों को मार डाला, आप हमें बताएंगे क्या हुआ था 2014 में? उधर तो आईएस बहुत उधर जंग लगा, उस टाइम बहुत आदमी मर गया। हाँ, तुम्हारे वो 39 आदमी था, बस एक आदमी बच गया, उसको गोली लगा, वो हार जीत उसको नाम। ओके, एक लाई पास हो बस के हम लोग के साथ ही आए। फिर उधर से कंपनी के आदमी था मुदीर लो, वो लिखा है आर्मी कैंटोनमेंट में, उधर के आर्मी हम लोग के फिर उधर ही रखा एक दूर है, तो उधर था हर सीधे हम मेरा साथ में था, हम लोग के साथ में था। तो आपने 2014 में एबीपी न्यूज को क्या बताया था? वो मर गया, वो 1940 आदमी था, बस एक आदमी बस गया, पूरा आदमी मर गया। नहीं मरेगा तो अभी तो देखो 6 साल हो गया, तुम्हारे इंडिया में कोई एक आदमी फोन नहीं करेगा माँ के साथ, भाई भाई के साथ, बीबी के साथ ही। वो जिंदा है तो बात करेगा, लेकिन वो नहीं है, अभी मर गया मालूम है। ओके, उधर तो जैसे हरजीत वापस आया तो उसने आपको क्या बताया? उसको पाँव में तो गोली लगा, फिर उसको मालूम है वो आईएस लोग से इतना मारा उसको, उसको मालूम हो हरजीत मर गया, लेकिन उन्होंने नहीं मरा, वो बच गया। फिर हम लोग के पास में इधर आ गया, ऊपर वाला उसके पास गया, फिर हम लोग के साथ में ही वो आया। ओके, भारत सरकार कह रही है कि हरजीत उन लोगों के साथ नहीं था। ना, उसके साथ था का एक, वो भारत सरकार बोल रही है कि हरजीत झूठ बोल रहा है। आप बताओ कि वो उन भारतीयों के साथ था या नहीं? वो आदमी के साथ था, पूरा आदमी के साथ था। तुम्हारो इंडिया आदमी एक साथ में था का, मेरा बांग्लादेश का आदमी अलग था का, उसके साथ में पूरा था का। वो पूरा आदमी को मार दिए, उसको मार दिए जूता में, पाँव में लाती मारा उसको, उसको मालूम है वो मर गया, लेकिन वो नहीं मरा, वो बच गया, वो फिर आ गया उधर। जानी, आप कहना चाहते हो कि हरजीत को भी गोली मारा था? हाँ, गोली मारा, तो वो उसका किस्मत अच्छा था कि वो बच गया। हाँ, बच गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।